नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल कुशवाहा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, जो भी भाई सऊदी अरब में रहते हैं, अगर मैं NCB बैंक का नेट बैंकिंग यूज करते हैं और उसका पासवर्ड भूल गए हैं तो कैसे रिसीट कर सकते हैं, आज इसी वीडियो में हम बताने वाले हैं। पहले तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आपको गूगल में जाना है, गूगल में जाइए या क्रोम ब्राउज़र में जाइए, या क्रोम ब्राउज़र में भी जा सकते हैं। तो हम अभी गूगल से बताने वाले हैं। तो चलिए फिर गूगल पर क्लिक कीजिए आप। फिर आपको यहाँ टाइप करना है। तो चलिए आपको टाइप करना है अलहली, ALHLI, अलहली ऑनलाइन। उसके बाद आपको सर्च करना है। इसको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देंगे, वहाँ से डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं लिंक पे। तो देखिए फर्स्ट पेज आ गया अलहली ऑनलाइन, इसका वेबसाइट, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए सऊदी का और अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ लॉगिन करना पड़ता है। मगर आप पासवर्ड भूल गए हैं, रिसीट करना है। तो देखिए इधर आता है, इसके नीचे चुप करके दिखाते हैं। देखिए इधर आता है यूज़र आईडी। जब यूज़र आईडी का भी हमने अगले वीडियो में बनाया है, अगर यूज़र आईडी भूल गए हैं तो वीडियो लास्ट तक में देखते रहिए। उसके बाद एक वीडियो आएगा, उस पर क्लिक करके अगर मैं यूज़र आईडी भूल गए हैं तो। अभी हम पासवर्ड वाला बता रहे हैं, यूज़र आईडी देखना है तो ये पूरा वीडियो देखिए, उसके लास्ट में आएगा वो वीडियो, यूज़र आईडी वाला, वो देख सकते हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो। तो देखिए इधर पासवर्ड वाला, इस पर क्लिक करना है आपको, रिसीट पासवर्ड। आपको जूम करके दिखाते हैं, रिसीट पासवर्ड पर क्लिक करना है। तो हम क्लिक करते हैं, फिर आपसे यूज़र आईडी मांगेगा, ठीक है। तो अपना यूज़र आईडी डालना है, जो भी आपका यूज़र आईडी है, देखिए यहाँ पर यूज़र आईडी डालना है। तो चलिए हम अपना यूज़र आईडी डाल लेते हैं। तो देखिए हमने अपना यूज़र आईडी डाल लिया है, क्योंकि इसको थोड़ा हमने इसको हाइड किया है, छुपाए हुए हैं। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। तो चलिए हम ओके पर क्लिक करते हैं। तो जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर तुरंत OTP आएगा, OTP डालना पड़ता है। तो देखिए हमारा OTP आ गया है, डाल लेते हैं। उसके बाद ओके करना है, ये तुरंत करना है, 30 सेकंड का रहता है। तो हम ओके करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मांग रहा है डेबिट कार्ड नंबर, जो 19 नंबर रहता है डेबिट कार्ड, जो आपका ATM कार्ड रहता है उसके पास नंबर रहते हैं, देख सकते हैं यही नंबर रहता है। और ATM का पिन नंबर डालना है, जो आपके पास ATM का डेबिट कार्ड के ऊपर देख सकते हैं, ऊपर एक 19 नंबर रहते हैं, वो ऊपर डालना है। तो आप यहाँ पे 19 नंबर डालिए, और यहाँ पे जो आपका ATM कार्ड का पिन नंबर है 4 अंक का, वो डाल दीजिए। और एक पैर एक कैप, इसको डब्बे को एक बार क्लिक कर दीजिए इसे। तो चलिए हम अपना जल्दी जल्दी डाल लेते हैं जो भी हमारा है। तो देखिए हमने अपने डेबिट कार्ड को नंबर को हाइड कर दिए हैं, छुपा दिए हैं। तो आपको बस ओके करना है, डालने के बाद ओके पर क्लिक कीजिए। देखिए नीचे ओके, ओके पर क्लिक कीजिए। तो देखिए आपसे मांगेगा न्यू लॉगिन पासवर्ड, कंफर्म लॉगिन पासवर्ड। तो देख सकते हैं अपना न्यू पासवर्ड बनाना है और कैसे डालना है, कुछ स्मॉल लेटर में, कुछ कैपिटल लेटर में, ऐसे ही रहना चाहिए, एक दो नंबर रहना चाहिए। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं कैसे रहना चाहिए। जैसे हमने लिखा टेक्निकल बड़े लेटर में, उसके बाद नंबर डाल दीजिए जो भी डालना चाहते हैं, ठीक है। तो बस हम आपको बताने के लिए ऐसे किए हैं, और हम अपना बनाते हैं। इसमें जो सेम ऊपर वाला है डालेंगे, वैसे नीचे भी डालना है, ज़्यादा अपने नाम से और स्पेस देना ही नहीं है, स्पेस इसमें मत दीजिएगा। उसके बाद डालने के बाद तो चलिए हम अपना डाल लेते हैं। तो देखिए हमने अपना डाल लिया हूँ, और उसके बाद ओके पर आपको क्लिक करना है। तो ओके पर क्लिक करिए, देखते हैं मैच करता है या नहीं करता है। तो देखिए सक्सेसफुल हो गया, न्यू पासवर्ड अपडेट।
तो देख सकते हैं, और आप फिनिश कर दीजिए और आप बैग चले जाइए, और आने के बाद अपना यहाँ यूजर आईडी डालिए और पासवर्ड डालिए। चलिए हम डाल के दिखा देते हैं एक बार। तो देख सकते हैं, हम अपना यूजर आईडी डाल लिया और पासवर्ड डाल लिए। यूजर आईडी को हाइड करके रखे हैं, छुपाए हुए हैं। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कीजिए। फिर आपके मोबाइल पर OTP आएगा, OTP डालना है। और उसके बाद 30 सेकंड के अंदर डालना पड़ता है OTP, ऐसे ही कुछ था। ओके पर क्लिक कीजिए। तो देख सकते हैं हमारा ये खुल गया। ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।